हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जैक सो शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बड़ोल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है, दोस्तों हमारे भाई की कमेंट जो आया था उस कमेंट के ऊपर है दोस्तों वीडियो। आज बहुत भाई का कमेंट आ रहा था कि मैंने पूरा एसी चेंज कर लिया है इन्वर्टर का, फिर भी उसमें हमिंग आता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपके लिए भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको फटाफट हम ओपन करते हैं। ओपन और सबसे पहली बात है दोस्तों, इसमें हमिंग आने का जो प्रॉब्लम होता है वही हमारा MDF बोर्ड से बना हुआ होता है। दोस्तों इसमें हर चीज़ का ग्राउंड नहीं मिलता है, जैसे ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका ग्राउंड हमको कहीं से नहीं मिलता। बॉडी का भी ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हमको ग्राउंड से इसको अटैच करना है। इसका जो ग्राउंड होगा उसमें से एक वायर लेके इसको बॉडी पर लगा दीजिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ बताऊँगा सभी को आपको फॉलो करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। मिस करेंगे तो हमिंग आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक एक चीज़ आपको बारिश के बताता हूँ, आप पूरा देखते जाइए, ठीक है। और साथ में एक और भाई है जो कमेंट किए थे 2.1 हॉर्न का, हमको होमिंग के बारे में बताइए। तो हमारा दोस्तों ये 2.1 ही है, ठीक है। लेकिन जो ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, ठीक है, तो आपका 100% होमिंग खत्म हो जाएगा। और जो भाई IC को चेंज कर लिए हैं, तो चेंज करने से पहले दोस्तों इस IC को आप चेक कीजिए, ठीक है, कि IC को कैसे आप चेक कीजिएगा। और बिना मल्टीमीटर के आप चेक करेंगे आसानी से, ठीक है। तो आपको लास्ट में आपको बताऊँगा, बीच बीच में जो भी आपको बताता जाता हूँ पूरा चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है। और जो भी भाई हमारे को जो है कमेंट किए थे कि भाई इसका जो फ्रंट पैनल होता है इन्वर्टर का, उसमें हमको सप्लाई नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उसका जो वायर है, सप्लाई वायर है, उसको आप ट्रेस करके इस बोर्ड में देखिए कहाँ पे आया हुआ है, जहाँ पे सप्लाई इसका होगा उस जगह पे मल्टीमीटर से चेक कीजिए कि आपको वहाँ पर सप्लाई पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर अगर पहुँच रहा है तो आपको फ्रंट में चेक करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं है सप्लाई तो आपको यहीं से आपको प्रॉब्लम है। इसलिए आपको सप्लाई पहले चेक कीजिए कि उसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसमें बहुत सारा रीज़न होता है हमिंग के लेकर के, जैसे कि देखिए इसमें हीट सिंक जो लगा हुआ है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है ज़्यादा लोड पड़ने के बाद में हीट सिंक जो है ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो इसके वजह से भी हमिंग आता है। तो आप हीट सिंक चाहे तो आप इसको इस जो भी आपके मोटर में लगा हुआ है हीटिंग उसको थोड़ा बड़ा लगा दीजिए, इसी के साथ में और एक हीट सिंक को जोड़ दीजिए ताकि आपका मोटर में जो है नॉइस कम हो जाएगा इस हीट। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये सप्लाई जब भी आप यहाँ देते हैं ना, तो इसमें से जो एक डाइबोर्ड होता है जहाँ हमारा ब्रिज बना हुआ होता है, उसमें से एक भी डाइबोर्ड अगर आपका वीक हो जाता है तो ट्रांसफार्मर भी हीट हो सकता है या फिर इसका डाइबोर्ड भी खराब और हो सकता है। और उसके साथ साथ में ये भी आपको चेक करना है कि सप्लाई पर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारा सही है या फिर फूला हुआ है या फिर कुछ भी डैमेज है, सोल्डिंग होकर रहता है, सोल्डिंग भी वीक हो जाता है तो भी आपको हमिंग आता है, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। सप्लाई को जो भी है प्रॉपर आपको चेक कर लेना है कि कोई भी हमारा कैपेसिटर लूज तो नहीं है या फिर डैमेज तो नहीं है, और या फिर आपका कोई डाइवर्ट है जहाँ पर सप्लाई जो भी आउट हो रहा है वो बराबर प्रॉपर आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पहले आपको चेक करना है। IC को पहले मत चेंज कीजिए, IC को यहाँ पर पहले चेक कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि एक नंबर पिन पे यहाँ इनपुट होता है और 4 नंबर पिन से दोस्तों आउटपुट होता है, ठीक है। तो आप इसका जो आउटपुट है वहाँ पर एक स्पीकर लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो इनपुट है इस पर आपको एक चिमटे लेकर के या फिर इस तरह से कुछ भी लेकर के यहाँ पर सिग्नल देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सिग्नल अच्छी तरह से आ रहा है, जैसे आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई सब कुछ ठीक ठाक आने के बाद भी यहाँ पे जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है दोस्तों, सप्लाई के ऊपर जो लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं नीचे भी है ऊपर भी, मैं लगाया हूँ ये किस लिए लगाया हूँ, अगर ये चाहे तो आप इसी को निकाल के बड़ा लगा सकते हैं 4700 माइक्रोफेड का या फिर 6800 माइक्रोफेड का भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसका स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी आपका हमिंग कम होता है। हमिंग का मतलब रीज़न बहुत काफ़ी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सप्लाई जब प्रॉपर सब कुछ ठीक ठाक है तो इसको आप लगा देते हैं तो इसका स्टोरेज और तगड़ा हो जाता है, इस वजह से प्रॉपर IC पे आपको वोल्टेज पहुँचता है। तो आपको सप्लाई बहुत ध्यान देना है कि हाँ सप्लाई की हमारा जो समस्या है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको सप्लाई से कोई हमिंग नहीं आएगा। और दूसरी बात आपको फ्रंट में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आपको मैं IC चेक करके दिखाता हूँ कि आप आसान तरीके से IC कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक IC यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 IC है, मैंने कि 3.1 हॉर्न थिएटर है दोस्तों। तो बिना मल्टीमीटर के कैसे आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद ही आप इस IC को चेंज कीजिए या फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपका पूरा समस्या जो है हमिंग का ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सप्लाई दे रहा हूँ, अभी देखिए ऑन कर दिया, देखिए ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमिंग ना हमको सब ऊपर में आ रहा है नहीं हमारा नेटवर्क स्पीकर में आ रहा है, ठीक है, आपके सामने है देख सकते हैं। और इसको आप चेक कैसे करेंगे हमारा IC सही है ख़राब है, जैसे यहाँ हमारा एक नंबर पिन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनपुट है, देखिए सब ऊपर पे आ रहा है कर इस तरह से,
ठीक है। इस तरह से अगर साउंड आ रहा है तो आपका एसी सही है, आपको एसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साउंड नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका एसी ख़राब है, उस एसी को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि एक नंबर पिन हमको यहाँ पर दिखा दिया आपको, अब दूसरे एसी में दिखाता हूँ जिस पर मैं स्पीकर जोड़ कर रखा हूँ, देखिए अच्छा तरह से साउंड आ रहा है, मतलब हमारा आईसी सही है, तो हम आईसी चेंज क्यों करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करके आसानी से आप आईसी चेंज मत कीजिए, चेक करके आप आईसी को चेंज कीजिए, ठीक है। आईसी भी ख़राब होने से हमिंग आता है, साउंड नहीं आएगा, हमिंग आएगा या फिर साउंड कम भी आता है, ठीक है। अब आइए फ्रंट पे दिखाता हूँ कि आपको हमिंग के लेकर के फ्रंट पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने फ्रंट पैनल पे आ गया हूँ, अभी आपको मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको मैं इसके आगे में क्या करना है आपको बताता हूँ। ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमिंग के लेकर के, ठीक है। देखिए अब हमिंग हमारा ज़्यादातर अभी ब्लूटूथ जो होता है दोस्तों हमारे यहाँ पे, ये ब्लूटूथ के वजह से भी हमारा हमिंग आते रहता है, क्योंकि हमको ब्लूटूथ पे जहाँ पर सप्लाई जो आता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्स होकर अगर यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ से भी हमिंग आता है। तो आपको ये निगेटिव पॉजिटिव को सही करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने एक कैपेसिटर लगाया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आउटपुट पे मैं एक कैपेसिटर लगाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दोनों पे कैपेसिटर लगाना है। और किस तरीके से लगाना है और कितना वैल्यू का लगाना है मैं बता देता हूँ पूरा। ये 47 UF और 16 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट आप कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों पे। छोटा वैल्यू का कोई भी हो, इससे भी छोटा वैल्यू का कोई हो जो 5 वोल्ट से ज़्यादा हो, वो कैपेसिटर आपको इनपुट पे आउटपुट लगाना है। जैसे कि इनपुट हमारे बीच में जो दोस्तों यहाँ है, ये हमारा ग्राउंड है, तो जो इस कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट होगा वो बीच में रहेगा, और जो आउटपुट होगा उस पर दोस्तों ये प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। और इस तरफ भी सेम इसी तरीके से आपको लगा देना है, जिससे कि आपको हमिंग ना आएगा ब्लूटूथ से और आपका होम थिएटर में क्लियर साउंड आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ में आपको और क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे वॉल्यूम है दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों वॉल्यूम का जो बॉडी होता है दोस्तों, यहाँ तो ऑलरेडी होम थिएटर में ग्राउंड रहता है, लेकिन आपका वहाँ पर नहीं है, सेपरेट कहीं पर लगाया हुआ है, तो उसका जो बॉडी होता है दोस्तों उसको आप ग्राउंड करके, जैसे आप देखिए ग्राउंड करके इसका बॉडी ले करके यहाँ माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड पर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं आपका फिर से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा, वीडियो कितना ही बड़ा हो लेकिन प्रॉपर आपको बताऊंगा इस तरह का हमारे पास होम थिएटर का जो आएगा जिसमें इस तरह का समस्या होगा, सभी आपको मैं क्लियर उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।